गोइंग टू विंटरलैंड विद माई अब्रॉड फ्रेंड. मैं घुंघरू को पहनाऊंगी, घुंघरू मुझे पहनाएगी और फिर हमारा निकाह आ जाएगा. क्या क्या कहना कहना एक पांडा, यह है दूसरा पांडा, यह है तीसरा पांडा. गजब बेइज्जती है. Welcome back to my channel with another vlog. So today's topic of my vlog is that I am going to Winterland with my abroad friend. सही बोला है? हाँ सही बोला होगा. खैर उर्दू में बता देती हूँ. मैं इतनी इंग्लिश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मुझे सारा दिन इंग्लिश ही बोलनी है, क्योंकि मेरी एक दोस्त आ रही है जो कि फॉरेनर है, मतलब वो अज़रबैजान से आए हैं. आप सब उनको जानते होंगे, वो टिकटॉकर भी हैं, उनका नाम है घुंघरू यासर. वो और उनके हस्बैंड आ रहे हैं मुझे पिक करने के लिए. तो मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया था, तो उनको मैं बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको कभी घुमाऊंगी जब आप दोबारा आएंगी. तो इस बार दोबारा आई, उन्होंने मुझे इंग्लिश में कहा कि वी विल हैंग आउट समथिंग ऐसे करके. तो मैंने कहा कि जी इंशाल्लाह. तो आज संडे है, आज मेरे पास वैसे भी कोई कंटेंट नहीं था पेश करने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके साथ जा रही हूँ, सारा दिन अपनी ज़ुबान को दुख देकर इंग्लिश बोलूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो हम लोग विंटरलैंड जाएंगे. उसने मुझे अभी मैसेज किया कि निम्रा मैं 10 और 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी. तो मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम में तैयार होने के लिए मैंने सोचा कि फटाफट मैं अपने व्लॉग का जो है वो इंट्रो दे दूं. और घर की हालत इतनी ख़राब है क्योंकि अम्मी भी घर पर नहीं है, मैविश भी घर पर नहीं है, तैयब भी घर पर नहीं है, मैं अकेली हूँ. मुझे अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं, और अभी अभी मैंने अपने पीआरस की अनबॉक्सिंग करके वो लंडा बाजार उधर लगा दिया. खैर तैयार होते हैं, सबसे पहले कपड़े प्रेस करते हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद वो आ जाएगी, फिर मुझे इंग्लिश में कहेगी निम्रा वी आर आउटसाइड योर होम प्लीज़ कम. तो उस बेचारी को इतनी मशक्क़त नहीं देनी चाहिए. और तैयार होते हैं, और तैयार होकर आपके सामने आते हैं, और फिर जो भी मैं अपने सारे दिन में करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो स्टे ट्यून्ड. टंटना, तो मैं हो चुकी हूँ तैयार. दुनिया की सबसे अनमैच औरत जो है वो मैं आज लग गई हूँ. ब्लू जीन्स, ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स, वाइट शूज़, वाइट घड़ी, ब्लैक ऐनक, कुछ भी मेरा मैच नहीं हो रहा क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में तैयार हुई हूँ. और तो और मैंने ना फ्रिज में आड़ू रखा था ठंडा होने के लिए कि मैं उसको काट के खाऊंगी. अब उसको हम नीचे रख देते हैं क्योंकि वो जो है वो ख़राब हो जाएगा अगर जमा रहा तो इस फ्रूट चाट भी वैसे की वैसे बड़ी. और घुंघरू जो है वो बाहर आके 15 मिनट से मेरा इंतज़ार कर रही है. मुझे चाहिए था पाकिस्तान में भाई है, मैं उसका ख्याल रखूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. मैं तो निम्रा ली हूँ, मैं तो कहीं भी टाइम पर पहुँच नहीं सकती, ना मैंने बाल स्ट्रेट किया ना कुछ. तो अब जो है वो गाड़ी में जो गाड़ी में है वो मेरा इंतज़ार कर रही है. तो अच्छा नहीं लगता उसको मज़ीद इंतज़ार करवाना. तो हम जो है वो फटाक से चलते हैं. दरवाज़ा खोलने का भी टाइम नहीं है, तो दूसरे दरवाजे से चलते हैं. मेरे जो घर की गली है उसमें घुंघरू आ सकती थी, लेकिन घुंघरू कह रही थी कि द स्ट्रीट इज सो नैरो निम्रा, वी कांट कम, यू कम आउटसाइड. मैंने कहा आई विल कम, यू स्टे हियर. तो वो बेचारी कोई 10 मिनट से मैंने इंतज़ार करी है, तो ये खड़ी हुई इनकी गाड़ी. गाड़ी के साथ ट्विनिंग की है मैंने तो. हाय, खिड़की नीचे करें. अस्सलाम वालेकुम. हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम. तुमसे ना हो पाएगा. ओके आई केम हियर टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू. हाँ समझ गई प्यारी, समझ गई. जो है वो घुंघरू ने कहा कि हम लोग पेट्रोल में डलवा ही रहे हैं, तो क्यों ना थोड़े से डोनट्स ले लें. और मेरी इंग्लिश फंस के आ रही है, आपने उसको इग्नोर करना है. नहीं जाना इधर से ही है. यस डोनट्स. आई नीड
तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं विंटरलैंड, और क्योंकि विंटरलैंड मैं पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता था, लेकिन लाहौर में पहली बार ऐसा बर्फ खाना खुला है, मतलब विंटरलैंड को उर्दू में कहते हैं बर्फ खाना, क्योंकि इसके अंदर बर्फ ही बर्फ होती है, और क्योंकि लाहौर में इतनी गर्मी है तो लोग जो है वो अपनी गर्मी को दूर करने के लिए, अच्छा मौसम लेने के लिए जो आते हैं विंटरलैंड, ठीक है। और मेरे साथ आई है ये घुमरू और उनके हस्बैंड। अच्छा ये विंटरलैंड में दिखा दूं एक बार, चीटिंग हो रही है भाई साहब, इधर मेरी चीटिंग हो रही है, लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं। अच्छा ये जो है ये बहुत ही महंगा किस्म का है, लेकिन अब हम लोग जो है वो देखेंगे कि कौन सा लेना है, क्योंकि यासिर भाई ने कहा है कि यहाँ पर अनलिमिटेड वाला भी और लिमिटेड वाला भी है, तो हम लोग एक घंटे वाला लेते हैं या एक घंटे से ज्यादा वाला लेते हैं, ये हम लोगों को आपको दिखाते हैं अंदर चलते। तो लेट्स गो अंदर, लेट्स गो अंदर। देखिए मैं इंग्लिश में नहीं बोलती। अब हमें जो है वो हमारी वीआईपी ब्रेसलेट मिल चुकी है, मैं घुंघरू को पहनाऊंगी, घुंघरू मुझे पहनाएगी, और फिर हमारा निकाह हो जाएगा। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई? अल्लाह इज्जत करो, मतलब ये ब्रेसलेट है जिससे हमारी एंट्रेंस होगी, तो अब हम जो है वो ये ब्रेसलेट पहनते हैं और हम लोगों ने वीआईपी प्रीमियम लाउंज में हम लोग जाएंगे। जो है वो हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर इनके जो है वो सारे क्लोथ्स पड़े हुए हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो मुझे फुल स्लीव्स पहन के आने चाहिए थे, लेकिन हम लोग ट्विनिंग के चक्कर में जो है वो हाफ स्लीव्स पहन के आ गए, अब हमें जो है वो उन्होंने जैकेट दी है पहनने के लिए, और मैं तैयार हूँ। अब जो है हम लोगों ने ग्लव्स भी पहन लिए हैं और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अंदर बहुत सर्दी होगी, लेकिन मैं इतनी नॉर्दर्न एरियाज में जा चुकी हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई सर्दी होगी, तो अंदर चलते हैं। कितना डिग्री है? माइनस टेन क्या चीज़ है निम्रा, तो -20 में भी रही हुई है कुछ भी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अबे तू बर्फ का बना है, तू पिघल क्यों नहीं रहा? जब बेइज्जती है। चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की पहली गली में शाखा तली को भूख लगी। हाँ जी मैं बच्ची हूँ, मैं अभी 19 साल की हूँ, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। चलो गाइस अब
उसको घुमाते हैं, अब हम धो लेंगे, ये आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। हालांकि मेरी सेहत नहीं है, उन्होंने कहा कि आपकी सेहत भी नहीं है और आपकी हाइट भी नहीं है कि आपको अंदर भेजा जा सके, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। और मेरा नाक देख सकते हैं आप, रेड हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है। तो अब हम अंदर जाएंगे, यासिर भाई बाहर से वीडियो बनाएंगे, अंदर से अंदर वीडियो नहीं होगी क्योंकि अंदर से वो मेरा मोबाइल गिर जाएगा। तो बात देखिए अंदर निमरा कैसे जाले की तरह चिपक के जाएगी। ओके अल्लाह हाफिज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस विंटरलैंड में बहुत ज्यादा विंटर खाने के बाद हम लोग आए हैं थोड़ी गर्मी लेने के लिए। इतनी ज्यादा वहाँ पे सर्दी थी, इतनी ज्यादा कि मेरा नाक अभी तक रेड है, हालांकि मैंने कोई ब्लश भी नहीं लगाया हुआ। कि अब हम लोग आए हैं पता नहीं किसी यहाँ पे कैफे शेफे में, वहाँ पर हम लोग खाएंगे सैंडविचेस और कॉफी ताकि हम थोड़ा सा गर्म हो। और क्योंकि हमारे पास 11 बजे का टाइम है घूमने का, 11 बजे के बाद हमारे पास वो ऑप्शन था ना हार्डीज का, वो उसमें था ना कि नहीं है? नहीं। हमारी कॉफी जो है वो आ चुकी है। डर गई तुम, तो डर गई क्योंकि सैंडविचेस नहीं आ सके क्योंकि इनका सैंडविच बनाने वाला बंदा ही तितर बितर हुआ हुआ था, तो सैंडविचेस नहीं मिले। और फिलहाल हम कॉफी पी रहे हैं ताकि हमारा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए, जैसा पहले था वैसा हो जाए। अब जाएंगे इसको पीने के बाद विंटरलैंड अगेन, पूरे पैसे करके निकलेंगे भाई। अब जो है हम दोबारा जा रहे हैं अंदर अपने पैसे पूरे करने के लिए क्योंकि 9000 रुपये भरे हैं, पूरे 9000 रुपये सिर्फ इस बर्फ खाने के लिए। तो अब इस बर्फ खाने के अंदर हम दोबारा जाएंगे, पैसे पूरे करेंगे, बाकी की जो स्लाइड्स वगैरह रह गई हैं वो लेंगे। तो लेट्स गो। अब जो है हम लोग इस स्लाइड लेने लगे, बर्फ बर्फ की बनी स्लाइड है और उसके लिए हमें इस छापी की जरूरत है, जिस छापी के अंदर हम बैठ के जो है वो स्लाइड लेंगे। ये मैं आपको अपने देसी सुबह कितनी भारी है, हाँ चिपका हुआ था लेकिन फिर भी भारी है। इसको मैं घसीट घसीट के लेके जाऊंगी और फिर हम ऊपर से धक्के खा के नीचे आएंगे। ये बहुत नैरो है, ये बिल्कुल घूमू की तरह पतली। अब जो है मैंने ये टोपी पहन ली, इसको पहन के मैं मजदूर लग रही हूँ, जैसे ये विंटरलैंड मैंने ही बनाया है और घुमरू भी मजदूर बन गई है, यासिर भाई भी मजदूर बन गया। अब हम ये लेंगे स्लाइड। Thank you.
दिनों से बोल रही हूँ। तो हम लोग जो है वो बाहर जाते हैं और बाहर जाके कुछ खाते हैं। Let's go outside from this बर्फ वाला गड्ढा। ओह बर्फीली गड्ढा। बर्फ नहीं कहा था? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बर्फ खाना। आज है वो देखे बर्फीले भालू के साथ इंसानी भालू। अब हम सब के हाथ जो है जम चुके हैं। मेरे हाथ तो बिल्कुल वैसे ही मर्दाना थे, मजीद मर्दाना हो गए। घुमरू शो योर हैंड, सी वी आर वेरी यू नो जम के। और मेरा कैमरा भी चल गया, क्योंकि विंटरलैंड की टाइमिंग भी 11 कुछ थी। तो अब हम उससे पहले ही 1 घंटा बाहर निकल रहे हैं ताकि हम कहीं जाकर खा सकें। बाहर हम लोगों ने देखा लेकिन कोई अच्छी जगह बैठने की नहीं थी, तो इसलिए हमने बाहर नहीं खाया। अब हम लोग जा रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग, अभी हम लोग ने डिसाइड नहीं किया, गाड़ी में बैठ के डिसाइड करेंगे और फिर हम लोग कुछ खाएंगे। बिकॉज इतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट के बाद मुझे तो भूख लग गई है। घुमरू का मुझे नहीं पता लग गई है, लेकिन वो कह रही है कि आई विल नॉट ईट बिकॉज माई स्टमक इज ऑल्सो फ्रोजन। मुझे समझ नहीं आ रही इनका मैदा कैसे जम गया। इनका मैदा जम गया तो मेरा दिल जम गया। नो ना, आपकी दिल नहीं जम गया, जम गया बोलती है, जम गया जम गया। अब यासिर भाई जो है वो 2 लाशें लेकर जाएंगे। मैं प्यार नहीं हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। और अब हम लोग आ चुके हैं PF Chang's खाना खाने के लिए। एंड आई एम वेरी हंग्री, ऑल्सो आई एम वेरी टाइर्ड। So let's go eat first, then I will do something. मैं घुमरू सुसु करने आ रही। इसका भी क्या सुसु किया? मैं एक्चुअली सुसु किया। She only see mirror and she set herself और इधर फ्री की हवा। अच्छा ना? Feel the air. फ्री की हवा तो कहीं नहीं, फ्री की चीज़ तो कहीं छोड़नी नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने वो भी लिया। एक महंगे रेस्टोरेंट में आई है निम्रा और महंगे रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करेगी और फिर आपको बताएगी कि वो रेस्टोरेंट का खाना कैसा है। ठीक है, जो खाना बिल्कुल हमारे बिल्कुल मेरे इधर आ चुका है, तो खाना खाते हैं और ट्राई करते हैं और फिर घर को जाते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी है इस वक्त। ओके, हनी चिकन, ओके ओके। अमीरों का खाना देख लें आप, ठीक है? ये फीका खाना है इस फीकी लड़की के लिए, ये स्पाइसी खाना है मेरे लिए और ये हम तीनों शेयर करेंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तो क्योंकि हम लोगों ने खाना खा लिया है और बहुत मज़े का खाना था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इंशाल्लाह आगे भी यहाँ पर आऊँगी। खैर अब जो है हम लोग घर जाने लगे हैं, क्योंकि मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही हैं और इनकी बिल्ली जो है वो अकेली है। तो घर चलते हैं और घर जाके मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी। तो लेट्स गो होम। तो इस गाड़ी की लाइट ने मेरे मुंह को चमका दिया है एंड आई एम लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह से। अंदर एक मजलिस हो रही है मुझे लगता है और मुझे अब ऐसे ही गुजर के जाना पड़ेगा। खैर गुमरू और यासिर भाई के साथ मुझे बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच गुमरू फॉर इनवाइटिंग मी। इंशाल्लाह आई विल कम टू योर होम एंड यू विल टीच मी इंग्लिश, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एंड आई विल टीच यू उर्दू। एनी टाइम यू कैन कम एंड आई विल टीच यू ऑल माय बैड वर्ड्स। आई लव टू लर्न दैट। यू नो भैंस की तुम व्हाट्स भैंस की तुम ये बुरे भी नहीं लगते बोलते हुए, कभी कभार तो मैं फिटे मुंह भी बोल देती हूँ, ये भी बुरा नहीं लगता। तो कमेंट सेक्शन में लोग आके कह रहे होंगे हाय निम्रा क्या सिखा रही है बच्ची को, निम्रा बड़ी सही चीजें सिखा रही है, बच्ची बहुत बिगड़ी हुई है पहले से, यासिर भाई ने बहुत बिगाड़ा हुआ है। खैर थैंक यू सो मच यासिर एंड थैंक यू सो मच गुमरू फॉर इन्वाइटिंग मी अगेन। इंशाल्लाह मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा और मेरी सारी तस्वीरें मुझे भेज दीजिएगा। और भी है, ढेर सारी है। ओके अब घर चलते हैं और अम्मी से मिलते हैं और उनको आज का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर और मैं आप बताना चाहती हूँ कि मैं इतना घूमी हुई हूँ पाकिस्तान में, मतलब नॉर्दर्न एरियाज में इतना घूमी इतनी सर्दी में, लेकिन कभी भी मेरा सर दर्द नहीं हुआ। लेकिन आज मेरा सर इतना शदीद दर्द हो रहा ना पीछे से, एक तो जब हम स्लाइड लेकर आए थे मेरा सर ठा करके ठुका था उसमें,
और दूसरी बार जो है वो गाड़ी में एसी लगा हुआ था जिसकी वजह से सफोकेशन होती है, तो मुझे जो है वो थोड़ा सा मसला है, तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई फील कर रही हूँ. लेकिन इट वॉज़ रियली गुड एक्सपीरियंस विद घुमरू. देखो अभी तक मेरे अंदर वो इंग्लिश का कीड़ा घुसा हुआ है क्योंकि घुमरू जो है वो इतनी इंग्लिश बोलती थी, और आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. और वो बहुत स्वीट है, उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके. इस बार उन्होंने मुझे घुमाया था, इंशाल्लाह अगली बार हम मिलेंगे तो मैं उनको घुमाऊंगी, और मैं उनको मोटिवेट भी करती हूँ कि भाई व्लॉग्स बनाया करो. तो उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. तो अगर आप जाते हैं विंटरलैंड तो अपनी सॉक्स को डबल करके जाएं और फुल स्लीव्स पहन के जाएं, ठीक है. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. एंड द फूड पार्टी इज़ सो गुड ना, सबसे अच्छा मुझे खाने वाला हिस्सा लगा था क्योंकि मुझे खाना बहुत अच्छा लगा था उनका. खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके बताएँ कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग. अल्लाह हाफिज़.